जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट चीता को अप्रूव करने वाली है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के सभी हिरन यूएवी को अपग्रेड किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे इंडियन आर्म फोर्सेज के हिरन यूएवी को न्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज मिल जाएगी। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट चीता और इसके सभी बेनिफिट्स के बारे में डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हिरन यूएवी का पूरा नाम है आईएआई हिरन, जिसे इजरायली कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी आईएआई ने बनाया है। हिरन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, जो कि 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लगातार 30 से 40 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 49 हिरन यूएवीज, इंडियन नेवी के पास 16 हिरन यूएवीज और इंडियन आर्मी के पास 4 हिरन यूएवीज हैं। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये सभी हिरन यूएवीज 2005 से 2010 के बीच में खरीदे गए थे, यानी अभी इनकी टेक्नोलॉजी 10 साल पुरानी हो चुकी है। और इसीलिए इन हिरन यूएवी को अपग्रेड करने के लिए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया है। प्रोजेक्ट चीता इंडिया और इसराइल का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें इसराइल की हेल्प से इंडियन आर्म फोर्सेज के हिरन यूएवीज को अपग्रेड किया जाएगा। एक्चुअली प्रोजेक्ट चीता की प्लानिंग 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ अपने हिरन यूएवीज को अपग्रेड करने के लिए की थी, लेकिन अभी इंडिया के तीनों आर्म फोर्सेस का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट बन चुका है। प्रोजेक्ट चीता की टोटल कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एयरफोर्स को दी गई है, और ये माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट चीता की डील 2021 में ही फाइनल हो जाएगी। हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चीता में इंडियन हिरन यूएवीज को इसराइल के नए आईएआई एटान यूएवी के जैसा बनाया जाएगा। आईएआई एटान को हिरन टीपी भी कहते हैं, और अभी ये इसराइल का सबसे नया यूएवी है और ये हेलफायर जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी ले जा सकता है। ये माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट चीता के अंदर इंडिया के हिरन यूएवीज में नया सैटेलाइट नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा। अभी इंडियन हिरन यूएवीज को डायरेक्ट रेडियो लिंक से कंट्रोल करते हैं, जिससे इनकी रेंज सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर तक होती है। अपग्रेड के बाद इंडियन हिरन यूएवीज को नए सैटेलाइट लिंक से कंट्रोल किया जा सकेगा, और इससे इंडियन हिरन ड्रोन्स की ऑपरेशनल रेंज बढ़कर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। प्रोजेक्ट चीता में इंडियन हिरन यूएवी में न्यू जनरेशन सेंसर्स लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इन सेंसर्स का नाम ऑफिशियली नहीं बताया है। हिरन यूएवी में लगने वाला नंबर 1 सेंसर है इजरायली सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी SAR। ये एक ऐसा राडार होता है जो कि दिन, रात और बादलों से ढके किसी भी एनिमी टारगेट्स की क्लियर पिक्चर ले सकता है। नंबर 2, मल्टी सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, जिसमें हर मौसम में लाइव वीडियो फीड देने वाला एक हाई पावर इंफ्रारेड कैमरा और एनिमी टारगेट्स की रेंज पता करने के लिए एक लेजर रेंज फाइंडर के साथ एनिमी टारगेट्स को मार्क करने के लिए एक लेजर डिजिग्नेटर लगा होगा। नंबर 3, प्रोजेक्ट चीता में इंडियन हिरन यूएवीज को सिग्नल्स इंटेलिजेंस वाले सेंसर्स भी मिलेंगे, जो कि किसी भी पाकिस्तानी या चाइनीज रेडियो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेंगे। अब आते हैं प्रोजेक्ट चीता के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। एक्चुअली प्रोजेक्ट चीता में इंडियन हिरन यूएवी को नए सेंसर्स के साथ अमेरिका की हेल फायर मिसाइल जैसी नेक्स्ट जनरेशन एयर टू सर्फेस मिसाइल लगाई जाएगी। ये माना जा रहा है कि अपग्रेडेड हिरन यूएवी एक बार में मिनिमम 2 एयर टू सर्फेस मिसाइल ले जा सकेगी, जिससे ये एक स्ट्राइक यूएवी में बदल जाएगा और इसकी क्लासिफिकेशन यूएवी से बदलकर UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हो जाएगी। आने वाले समय में अपग्रेडेड हिरन यूएवी में DRDO की बनाई हुई हेलिना और धुआस्त्र जैसी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा सकती है। अपने इस अपग्रेड के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के हिरन यूएवीज न सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस यानी ISTAR रोल्स के लिए, बल्कि लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक स्ट्राइक और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसे रोल्स में भी यूज किया जा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस अमेरिका से 30 से भी ज्यादा प्रीडेटर बी यूएवी खरीदना चाहती थी, जिनकी डिटेल्स आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्रीडेटर बी वाली वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रीडेटर बी यूएवीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के चलते इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने पुराने हिरन यूएवीज को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया। फ्यूचर में ये अपग्रेडेड हिरन UCAV DRDO के बनाए हुए अपने रुस्तम 2 आर्म्ड यूएवी और घातक UCAV से रिप्लेस किए जाएंगे। आखिर में टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट चीता एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस को लगभग 70 आर्म्ड हिरन यूएवीज मिल जाएंगे और हमारी आर्म फोर्सेस चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती हुई यूएवी पावर का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। इसके साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि DRDO अपने रुस्तम 2
और घातक यूसीएवी वाले प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जिससे इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। आपको हिरन यूएवी को अपग्रेड करने का आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।